मुंगेर में मुख्य बाजार स्थित पेंट की दुकान में हुई चोरी का कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने चोरी मामले में पहले एक नाबालिग को पकड़ा, फिर नाबालिग के पिता को चोरी के सामान रखने के जुर्म में किया गिरफ्तार। चोरी के मोबाइल, कैश और चांदी के सिक्के को भी पुलिस ने किया बरामद। दरअसल पूरा मामला मुंगेर जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मुख्य बाजार के राजीव गांधी चौक के पास की है, जहाँ एक पेंट की दुकान में 10 दिन पूर्व 5 मार्च की रात्रि में चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। कांड के अनुसंधान के क्रम में एक विधि विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया। उक्त किशोरी से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि घटना के तिथि व समय को उक्त पेंट के दुकान में यह चोरी किया था, जिसमें 10,000 रुपये एवं सिक्का एवं मोबाइल चोरी किया गया था, जिसे उक्त चोरी के सामान को अपने पिता सहिंद्र महतो को दिया गया है। उसके द्वारा उक्त चोरी के सामान को रखा गया है। उसके निशानदेही पर कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चाय टोला उसके घर से पिता सहिंद्र महतो को पकड़ा गया एवं उसके पास से चोरी के मोबाइल 9,000 रुपये और 12 सिक्का बरामद किया गया। वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अपडेट क्या है? दिनांक 5 की रात्रि में राजीव गांधी चौक पर एक पेंट व्यवसायी के दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा उसका फाटक तोड़ करके चोरी कर ली गई थी, जिसमें उनके द्वारा 2,50,000 रुपया और सोने चांदी का सिक्का मोबाइल वगैरह चोरी होने की बात बताई थी। अग्रतार अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने एक विधि विरोध किशोर को हम लोगों ने डिटेन किया था। उसके निरुद्ध के बाद हम लोगों ने उन्होंने अपनी स्वीकृतता इस कांड में स्वीकार करते हुए वो उनके निशानदेही पर उनके द्वारा अपने पिता को सभी चोरी का सामान, जिसमें 12 छोटे बड़े पूजा करने वाले सिक्के थे सोने चांदी जैसा और एक मोबाइल बरामद हुआ था। और उसके द्वारा बताया गया कि ये 2.5 लाख रुपया नहीं बल्कि 10,000 रुपया ही उस गला में था, मिला था, और जिसको उसके द्वारा चोरी किया गया था। क्योंकि वो सभी सामान वो अपने पिता को दे देता था, उसका पिता सहिंदर महतो है, जो उसको ये चोरी का सामान होते हुए जानते हुए भी उन्होंने अपने में उपयोग किया था। इसे उनको भी हम लोगों ने सहिंदर महतो को भी गिरफ्तार किया है और उसको अग्रिम कार्रवाई होती है माननीय न्यायालय में भेजी गई। थैंक यू सर। इसमें अपडेट क्या है? दिनांक 5 की रात्रि में राजीव गांधी चौक पर एक पेंट व्यवसायी के दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा उसका फाटक तोड़ करके चोरी कर ली गई थी, जिसमें उनके द्वारा 2.5 लाख रुपया और सोने चांदी का सिक्का मोबाइल वगैरह चोरी होने की बात बताई थी।